वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज भावलपुर पहुंच गई। मरियम नवाज झांगरा शहर की मोटरवे इंटरचेंज का इफ्तिताह करेंगी। विक्टोरिया अस्पताल अब्बास नगर में स्कूल का दौरा करेंगी। वज़ीर-ए-आला का दौरा मुतवक्के है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। वो आज भी काम पर छुट्टी हुई जिनके नाम पर आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद शिकागो की मेहनतकशों के जद्दोजहद को याद करना है। जुनूबी पंजाब में तकरीबात सेमिनार्स और रैलियां। हुकूक के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को सलाम। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। मुल्तान मियांवाली के मेहनतकश आलमी दिन से बेखबर। खेतों में काम करती खवातीन मजदूर हुकूक से ला इल्म। मजदूरों का कहना है कि महंगाई के तनासुब से उजरत बहुत कम है, हमारे लिए किसी ने कभी आवाज नहीं उठाई। मजबूरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 900 रुपए दिहाड़ी है, 900 रुपए दिहाड़ी से क्या बनता है, आज कुछ भी नहीं बनता। बस क्या करें, गुजारा है कर रहे हैं, बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अब क्या करें। गरीब आदमी के लिए क्या सहूलत मिल सकती है, क्या है, कुछ भी नहीं है। बस यही दिहाड़ी मिलती है, वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। सान जक्कू भाई तो पता ही कौन है, भाई जक्कू भाई मजदूर तो दिहाड़ा ही है कि कौन ही दिहाड़ा। सारे सान पता कौन ही लगा जी, बिल्कुल 50 साल थी गए ऐसा मजदूरी सारा पेशे ही है मजदूरी का। अगर मजदूरी न करा तो बालन कैसे खवा। एक दिन बना ना जी आटा उधार दिखना पड़े किले में जी, गरीब आदमी किले में। अचलक बहुत बंदा मजदूर के औकात। जनूबी पंजाब भर में आलमी दिन से बेखबर मजदूर काम की तलाश में सड़कों पर निकल आए। मजदूरों का कहना है हमें क्या पता आलमी दिन क्या होता है, बच्चों की रोजी रोटी पूरी करने की फिक्र होती है। मजदूर महंगाई का रोना रोते रहे, हुक्मरानों को कोसते रहे। को पता नहीं है ये मजदूर डे होता क्या है। मजदूर को ये पता है कि सुबह मैंने उठना है, अपने बच्चों की कफालत के लिए रोजी करनी है, मगर रोजी तो तब करेगा जब उसको काम मिलेगा। महंगाई इतनी है, ना सब्जी ये मिलती है, ना घी मिलता है, ना चीनी मिलती है। हमर को क्या पता जी आलमी दिन क्या होता है और क्या नहीं होता। हमर को यही नहीं पता भी आज छुट्टी है नहीं है छुट्टी। मजदूर आदमी गरीब आदमी आए, ताजी करेने ताजी खाने है, असर रोजी तो भी तंग है, घर में भी तंग है, कैसे कहने सारे घर देवे। मजदूरों का आलमी दिन, रियाज और सुरैया को छुट्टी न मिले। भावलपुर में जोड़ा ईंटे बनाने में मसरूफ। मोहम्मद रियाज का कहना है 30,000 रुपए का मकरूज हूँ, यकुम मई तो क्या महीनों तक कभी छुट्टी नहीं मिली। ऐसा सही काम करने आने ताजी खाने आने कोई बचत थी वे तो वाली आई, महंगाई बड़ी थी पिए हूँ। अटे थेला देखो ना, पहले 1350 दी पहुंच गया, ऐसा अट्टा ही कला नहीं पूरा कर सकते, ऐसा क्या करूँ। आपते बाला दवाई गिनी होवे ऐसा भूखे सुखे ही में समवे ने आसा कुछ यो ही पता नहीं लगदा पिया। ऐसा तो आपते कम में मसरूफ रहवे ने, ऐसा ते एक जाड़ी त्रुट गई तो क्या बरसे तन। मुताहिदा मरकजी अंजुमन ताजान भावलपुर के जिले तमाम तकरीब। मजदूरों को एक यौम की उजरत दी गई। ताजी रहनुमाओं ने हार पहनाई और केक भी काटा। मजदूरों के लिए खसूसी तौर पर जोहराने का एहतमाम। आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन मुल्तान के जिले एहतमाम भी तकरीब। 11 बजे तक खड़े रहे, काम नहीं लगा तो खान साहब गए और ये हमें लेके आए और हम सबको खाना खिलाया और उजरत दी है, उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। देखो ना, हम गरीबों के लिए जो भी हुकूमत आती है यही वाहिद शख्स है जो हम गरीबों को बुला के खाना भी खिलाता है और खिदमत भी करता है। जो भी इसी को अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह पाक इसी को और देगा। मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है इन बदतरीन हालात के अंदर, मुल्क के अंदर जो माशी हालात हैं, सफ़ेद पोश तबका ही ख़त्म हो चुका है। ये तो बेचारे हमारे वैसे ही मजदूर जो भाई हैं, ये तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी की जो खाना है उस तक को हासिल करने के ऊपर इनकी दस्तरस नहीं रही। मुल्तान में आलमी योम मजदूर पर चाइल्ड लेबर एक्ट के खिलाफ वर्जी। बच्चे दुकानों पर काम करके अहले खाना के लिए रिस्क कमाने लगे। 12 साल अली हसन का कहना है सुबह 8 से शाम 5 बजे तक काम करता हूँ। पीएचए डीजी खान के मुलाजमीन सराप एहतजाज। 15 से 20,000 रुपए तनख्वाह भी 2 माह से अदा नहीं की गई। मुजाहरीन का कहना था हुकूमत मजदूरों को हक नहीं दे रही। जनूबी पंजाब के किसानों की आवाज पर किसी ने कान न धरा। हुकूमती सतह पर गंदम खरीदारी का आगाज न हो सका। किसान सड़क किनारे स्टॉल्स लगाकर सस्ती गंदम फरोख्त करने पर मजबूर। किसानों का कहना था रिलीफ की बजाय नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
भेरा में बारिश, गंदम की तैयार फसल को नुकसान, फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने का खदशा। सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं जमींदार परेशान। हुकूमत मेहरबान, आवाम का थोड़ा सा काम हो गया आसान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे, डीजल 8 रुपये 42 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत भी 8 रुपये 74 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। मुल्तान में सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज, गिरा फरोशी धड़ल्ले से जारी। अदरक 600, देसी लहसुन 400 रुपये किलो, चिकन 520 रुपये किलो, फल भी पहुंच से बाहर। लिंक रोड अभी तक नहीं बनाया गया, मुश्किलात का सामना है। मुल्तान के तजारों का कहना है तजावजात हादसात का सबब बन रही हैं। इंतजामिया से जल्द लिंक रोड बनाने की अपील करते हैं। अफसरान और अहलकार मराज से महरूम होने का खदशा। पाकिस्तान कस्टम्स अफसरों और अहलकारों का डेटा अपडेट ना हुआ, अहलकारों की अहलियत जांचने में परेशानी का सामना। इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा अपडेट किया जाए, FBR की हिदायत। होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल का दौरा बहावलपुर, कम उम्र कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा। सेंट्रल जेल में कायम अस्पताल का मुआयना किया, डॉक्टर्स को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। पीपी 279 मुजफ्फरगढ़ में जिमनी इंतखाबात, उम्मीदवारों को आज इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। 5 उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले चुके हैं, हल्के में पोलिंग 18 मई को होगी। मियांवाली दारुल अमान से दो खवातीन पुर इसरार तौर पर गायब। ताहरा परवीन अपनी मर्जी से दारुल अमान में मुकीम थी, पुलिस के मुताबिक दूसरी खातून सदफ मुकदमा में नामजद थी। DPO का नोटिस, रिपोर्ट तलब। प्री मानसून और फ्लड इंतजामात बारे इजलास, हिफाजती बंदों पर तजावजात खत्म की जाएं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के अहकाम, सैलाब के हवाले से फर्जी मशकें करने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन के हवाले से सेमिनार, महकमा सेहत और यूनिसेफ के इश्तराक से एहतमाम किया गया। शुरका को पोलियो समेत 12 मुजियम राज बारे आगाही दी गई। जनूबी पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज, कानपुर में महकमा सेहत की टीमें दरियाई इलाकों में पहुंच गई। DDHO डॉक्टर शफकत भी हमरा रहे, 5 साल से कम उम्र बच्चे को कचरे पिलाए जाएंगे। और मुबारकपुर में गंदम की कटाई पर मेला इंतजाम शुरू, सर्कस और थिएटर्स लगाए जा रहे हैं। अहले इलाके के लिए मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों का एहतमाम भी किया गया।